भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान, आप यहां पे दूसरा प्रश्न भी लिख सकते हैं, भारत देश में कृषि का महत्व, कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पे जो भार था वह धीरे धीरे कम हो गया है, अर्थतंत्र में इसका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है, यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है अर्थात 50% से भी अधिक, कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लगभग 17% हिस्सा रखता है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन जैसे कि चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि है, इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, अर्थात भारत ही अपने कृषि उत्पादनों का विश्व के अन्य देशों में निर्यात करते हैं और उसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सूती कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, तेल इत्यादि उद्योगों में तथा खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल भी कृषि से उपलब्ध कराता है। खाद्य सामग्री प्रसंस्करण मतलब खाने योग्य फसलों को तैयार करने के जो उद्योग होते हैं, जैसे चावल की पॉलिश की जाती है, दलहन की, उस तरह के उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो उनसे अन्य चीजें जो बनाई जाती है, कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का महत्व अथवा भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी कृषि क्षेत्र में सरकार ने वैश्वीकरण को अपनाया है और उसका क्या असर हुआ है उसके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में अर्थात विश्व के बाजार में बेचकर फायदा प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण नीति अमल में लाई गई है। वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए हैं। कृषि फसलों के आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में एवं विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण अपनाने से क्या फायदा हुआ कि किसान अपने कृषि उपज को विश्व के बाजार में बेच सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैश्वीकरण होने के कारण कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आए। परिवर्तन कौन से? टेक्निकल सुधार, तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार, जैसे परिवर्तन हुए। कृषि फसलों का जो आयात निर्यात की प्रक्रिया कठिन थी वह सरल बन गई, जिसमें से कुछ उदाहरण भी दिए कि गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजार में जा रहे हैं और विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में आसानी से मिल रहे हैं। वैश्वीकरण से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए जाते ऊंची कीमत के जेनेटिकली मॉडिफाइड BT बीज आए हैं और जैसे वैश्वीकरण हमने अपनाया वैसे ही विदेशों की कंपनियों के द्वारा उत्पादित ऊंची कीमत के बीज भी भारत के बाजार में मिलने लगे, जिससे कि भारतीय किसानों के उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी हुई। पिछले हमने नकदी फसल में कपास के बारे में पढ़ा, उसमें गुजरात के किसान कपास के BT बीज का उपयोग कर रहे हैं और पूरे भारत देश में गुजरात का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इससे कृषि में खर्च तो बढ़ा है परंतु कपास एवं मक्के के उत्पादन में इससे वृद्धि हुई है। आयात सरल होने से हमारे घरेलू कृषि उत्पादनों को यहाँ स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश की तरह अन्य विकासशील देशों ने भी वैश्वीकरण अपना कर कृषि फसलों का आयात निर्यात आसानी से करने लगे, जिसके कारण विश्व में अन्य देश कृषि फसलों का निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उनके सामने टिके रहने के लिए हमें स्पर्धा करनी पड़ती है। कुछ उत्पादनों को वैश्विक बाजार मिलने से उनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई, अर्थात जिस कृषि फसल को हम विश्व के बाजार में निर्यात कर रहे हैं उन्हें पेटेंट रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे आप कोई संस्था में
प्रवेश प्राप्त करते हो, एडमिशन लेते हो, तो वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसी तरह से हम किसी कृषि फसल को विश्व के बाजार में बेचते हैं, निर्यात करते हैं, तो अपने देश के नाम से उसे वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है। विश्व बाजार में हमारी गुणवत्ता युक्त कृषि उपजों का पेटेंट देश के नाम कराना आवश्यक है। भारत को कृषि के क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करने के लिए नवीन तकनीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। देखा, अगर विश्व बाजार में हमारी स्पर्धा बढ़ती जाएगी तो हम उस स्पर्धा में टिके रहने के लिए कृषि क्षेत्रों में नए नए तकनीकी सुधार अपनाएंगे, जिससे कि हमारे किसानों का कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और उनमें शिक्षा का महत्व भी उत्पन्न होगा, जिससे कि हम विश्व बाजार में स्पर्धा में टिके रह सके। तो ये आपने प्रश्न पढ़ा, भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव।